इशिता, जब मैं एनजीओ में काम करती थी ना, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे जहाँ हस्बैंड दिखाते तो ये थे कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, रोमांटिक प्लान ये वो, लेकिन असल में अपनी बीवियों को मारते थे बुरी तरह। क्या सच में? हाँ, कहीं ये अमर का कोई प्लान तो नहीं? नो शगुन, पल्लवी तो बहुत एक्साइटेड साउंड कर रही थी। इतना तो समझती होगी ना वो भी अपने हस्बैंड को। आई डोंट नो, मतलब मे बी हम लोग ना बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, अब हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। थोड़ा वेट करके देखते हैं, लेट्स वॉच। शायद तुम ठीक करें। यू रिलैक्स, ओके? बाय, अपना ख्याल रखो। ओके। रमन बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम लेडीज ना हर बात पे जिग्गा जासूस बन जाती है। कॉलेज बंधु को ऐसे कैसे निकाल सकता है नौकरी से बिना किसी कोर्ट की हियरिंग के? हाउ इज दैट पॉसिबल यार? भाई प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उसकी माँ बहुत रिच है, उसने एक बहुत ही काबिल और बहुत ही एक्सपेंसिव लॉयर अपॉइंट किया इस केस के लिए। इनफैक्ट कॉलेज अथॉरिटीज के साथ कोर्ट के बाहर मिलकर सेटलमेंट कर ली। अरे बिना किसी मतलब के वंदु को कॉलेज से निकाल देंगे, उसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा यार। भाई मैं कुछ भी करता तो वंदिता को जेल हो जाती, वो लॉयर बहुत ही चालाक है, रॉन्ग एलिगेशंस लगा के वो वंदिता को अंदर कर देती। इनफैक्ट 20 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है उसको रेजिग्नेशन के लिए। मतलब 20 लाख रुपए अगर वंदिता ले लेती है तो अपनी गलती मान लेती है, वो गलती जो उसे की नहीं है। मुझे इस लॉयर से मिलना है, कौन नहीं है? I'm really sorry भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगी। लॉयर है भगवान तो नहीं है ना? मैं देख लूंगा बाकी का। You keep appointment fixed, that's it. ठीक है, जैसा आप कहें। आखिर ऐसी कौन सी लॉयर? कितना खुशी का दिन है आज। पता नहीं कब से मैं इस खौफ में जी रही थी कि अगर अमर को पता चल गया तो क्या होगा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड। अरे अमर, आप कब आए? वो मैं कैंडल्स जला रही थी, आप कैंडल लाइट डिनर करना चाहते थे ना मेरे साथ? क्या हुआ? धोखा दिया है तुमने मुझको। अमर, क्या कह रहे हैं? धोखा दिया है तुमने मुझको। जिस आदमी से तुम प्यार करती थी, जिसके बच्चे की तुम माँ, उसको अब भी याद करती रहती? नहीं अमर, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट के साथ आगे बढ़ गई हूँ। आगे बढ़ चुकी हूँ। तुमने माफ कर दिया था ना मुझे? माफ नहीं किया था तुझको मैंने। मैं बहुत बड़ी गलती की, और गलती की सजा अब दूंगा तुझे। कहाँ जा रही हो पल्लवी? तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारा ये प्यार कई बार मुझे पागल कर देता है। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें पूरी तरह मुझे अपना बनाना है
उसके लिए तुम्हारे पहले प्यार के निशानी जो तुम पे है वो मिटानी होगी। अगर मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर। बार बार ये गलतियां क्यों करती हो पल्लवी? क्यों बार बार मुझसे झूठ बोलती हो, मुझे परेशान करती हो तुम? वो मेरा पास था, मैं उसे भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओगी। पास था? हाँ? पास था तुम्हारा? तुम भूल सकती हो लेकिन मैं कैसे? तुम भाग के नहीं जा सकती। पल्लवी, पल्लवी दरवाजा खोलो, पल्लवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। पुराना मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? शिता को फोन कर दो। पल्लवी? हाँ पल्लवी, क्या हो गया? हेलो शिता, शिता प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। क्या हुआ? कौन मार देगा तुम्हें? वो अमर, वो मेरी जान ले लेगा, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो शिता, जल्दी आओ। कहाँ हो पल्लवी? कुछ किया होगा, चुप बचाना होगा उसे। नीलू, मैम। हेलो नीति जी, कैसी हैं आप? कहाँ हैं आपके मिस्टर भल्ला? उनके पास टाइम ही नहीं है और मैं यहाँ पर खाली बैठी हूँ। नीति जी वो आने ही वाले थे बट एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गए, उनके तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी? क्या बकवास है ये? मेरे पास उनके लिए अब और टाइम नहीं है, आप प्लीज जा सकते हैं। मैम सुनिए तो सही, आप अगर उनसे नहीं मिलना चाहती हैं ठीक है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे उनसे फोन पे बात कर लीजिए प्लीज। हाँ पाठक भाई, मैं से निकल रहा हूँ। हाँ भाई, भाई एक मिनट। नीति जी से बात कर लीजिए आप। मैम, मिस्टर भल्ला आप समझते क्या हैं अपने आप को? आपको ही मुझसे मिलना था ना, और अब कहाँ हैं आप? जी एक्चुअली मैं वो बस देखिए मिस्टर भल्ला, आपके पीछे बर्बाद करने के लिए मेरे पास और समय नहीं है, जो भी बात है फोन पे बताइए प्लीज। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वंदिता बाला सुब्रमण्यम को ऐसी डील कैसे दे सकती हैं? वो एक अच्छी टीचर हैं, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मेरा काम मुझे कैसे करना है? देखिए मिस्टर भल्ला, मैं वही कर रही हूँ जो मेरे क्लाइंट के लिए ठीक है, समझे आप? वंदिता बाला सुब्रमण्यम को जो मैंने डील दिलवाई है वो बेस्ट है, और जितना मुझे पता है उनके पति को पैसों की जरूरत है इस वक्त। अब उनकी मर्जी, वो 20 लाख रुपए लेना चाहते हैं कि नहीं। मैंने वंदिता बाला सुब्रमण्यम को बहुत अच्छी डील दिलाई है, उनसे कहिए कि मान जाएं और सारी की सारी चीजें भूल जाएं। प्लीज अगर आप मेरी बात। दीपिका, मिस्टर बंसल को बुलाइए प्लीज। सर, कौन हो सकता है? फोन किसको किया था तूने? किसी को नहीं। किसको फोन किया था पल्लवी? पल्लवी किसको फोन किया था? इशिता को। पल्लवी, इशिता। चुप। चुप।
फोन स्विच्ड ऑफ। फोन इश्ता जी आप यहाँ इस वक्त? हाँ वो एक्चुअली मैं यहीं से गुजर रही थी, मैंने सोचा मैं पल्लवी से मिलती चलूँ। कहाँ है वो? पल्लवी तो नहीं है घर पे इस वक्त, कहीं बाहर गई है, बता के नहीं गई है। और वैसे भी आजकल की बीवियाँ कहाँ बता के जाती हैं। वो घर पे नहीं है, मैंने कहा ना आपसे वो बाहर गई है, पता नहीं कब तक आएगी। घर पे सब ठीक है? हाँ एवरीथिंग इज फाइन। इशिता जी if you don't mind I have a very important conference call, so please, एक बार मुझे पल्लवी से मिलने दीजिए। सॉरी 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 क्या करूं मैं अभिषेक को फोन करती हूँ, वो हेल्प ला सकता है। नेटवर्क इशिता पागल हो क्या? ये मेरे घर का मामला है, बीच में बताना। घर का मामला कैसे? तुम किसी को मारने की कोशिश कर रही हो, घर का मामला कैसे हो सकता है? स्टॉप इट। अच्छा कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। तुम? हाँ मैं रोकूंगी।
मर गया। परेशान हो रही है, उठो अमर। नहीं आ रही, यहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी बस। मर गया है वो। नहीं आ रही है। सीता क्या कर रही हो? रिवाइव करना पड़ेगा इसको। सीता वो मर गया। अमर, अमर, सीता, सीता, वो मर गया है। करना पड़ेगा। मर गया है। अमर नहीं है। उठो अमर, अमर, सीता वो मर गया है। मर गया है वो। लाइट्स को क्या हो गया? अरे यार, ये लगता है तूफान आने वाला है। बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? आई थिंक समथिंग्स नॉट राइट। इशिता भी कहाँ रह गई? कहीं बरसात में फंस ना जाए यार। उसको लेकर बेचैनी क्यों? तो कुछ भी सोचता रहा मन। उस समय क्लिनिक में किसी का दांत तोड़ रही होगी यार। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।